दोस्तों कुछ इस तरह का पौधा हम नींबू की टहनी से नींबू का बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने नींबू की टहनी को लिया है और इसको छोटा से टहनी को काट दिया है और इसके पत्ते भी काट लिए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हमने एक सिरे से काट लिया है और एक दूसरी हम टहनी लेंगे नींबू की और उस दोनों को एक बराबर साइज में हमने काट लिया है। और अब इसको हम शहद में एक सिरे को मिलाएंगे। शहद में हमने इसको डाल दिया है दोस्तों। शहद में अब दोस्तों ये 5 मिनट तक रहेंगी टहनियाँ, और तब तक हमने एक मग्गा लिया है और इसमें एक टाइल्स का टुकड़ा डाल दिया है। और अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिट्टी से भर देंगे दोस्तों, ताकि हम जो पानी डालें वो बाहर ना जाए। तो ये आप लोग देख सकते हो, हमने इसको मिट्टी से भर दिया है। अब शहद से हम नींबू की टहनियों को बाहर निकालेंगे और इसमें लगा देंगे। तो हमने इसमें अब लगा दी है दोस्तों टहनियाँ, और अब इसमें हम पानी डालेंगे दोस्तों। हमने अच्छी तरह से अब इसमें पानी डालना है, एकदम इसको भर देना है दोस्तों। तो इसको हमने भर दिया अच्छी तरह से, अब ये कुछ समय बाद हम देखेंगे दोस्तों उसको। तो 40 दिनों के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा पौधा बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर पौधा बन चुका है दोस्तों। ये फूल भी आ चुके हैं दोस्तों, इसकी टहनियों पर पत्ते भी निकल चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी नींबू की टहनी से पौधा बनाना है तो आप भी ऐसे बना सकते हो। थैंक यू गाइस। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।